Welcome to the Kapil Sharma Show. Paaji, हमारा ये कमरा बहुत दिनों से खाली पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ इसको किराए पे दे दूँ। क्योंकि इसके मालिक का कोई अता पता है नहीं। और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और अगर वो प्रॉपर्टी है तो जो पहले बेच दे। तो मैंने इश्तिहार दे दिया है, ग्राहक आते ही होंगे। नमस्कार भाई साहब। बहुत ज्यादा नमस्कार। ये शांतिवन सोसाइटी किधर मिलता है? मिलता नहीं, पढ़ता है भाई। मैं पढ़ता बोलूंगा, तुम बोलोगे कौन से स्कूल में पढ़ता है। मैं जानता हूँ भाई, तुम बड़े मजाकिया हो। तुम्हारे बारे में सब कुछ पढ़ के आया हूँ। यही है शांतिवन आपकी तारीफ? वो तो कोई नहीं करता, तुमसे होती है तो कर लो भाई। मुझे यहाँ रहने के लिए कमरा चाहिए। मुझे जेब में रखने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। पैसे लेकर तो कोई भी रूम दे सकता है। तो आप मुझे कोई भी समझिए, मैं आपके मामा का लड़का नहीं हूँ। ये मुर्गी को लेकर क्यों घूम रहे हैं आप? ये मुर्गी नहीं है, ये चमेली है, मेरी बेटी है? इसे मैं पढ़ा लिखा कर एयर होस्टेस बनाना चाहता हूँ सिद्धू साहब, क्योंकि इसे उड़ने का बड़ा शौक है। ये बात है तो पागलखाना तो पीछे रह गया, उधर चले जाते आप। देखो भाई, जो वक्त के साथ नहीं चलता पीछे रह जाता है। अरे थोड़ा सा पीछे रह जाते आप। आपने सुना नहीं कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है? ना भाई ना, हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ नहीं होता। मर्दों को औरत बना बना के आदमी सक्सेसफुल होता है। क्यों भाई, ये वही आदमी है ना जो मर्दों को औरत बनाता है? हाँ भाई हाँ। आप इस उम्र में मुंबई क्यों आए हैं वैसे? दरअसल मैं चमेली की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए थोड़ा शहरी मुर्गा मिल जाए। अगर तो भाई उसका चाल चलन ठीक हुआ तो फिर घर जमाई, नहीं तो फिर चिकन कढ़ाई। आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिर? नहीं नहीं, मुर्गी की वजह से हूँ, क्योंकि अंडे देती है। कई बार बोला इसको टमाटर दे आलू दे, देती नहीं। खैर ये बताओ कमरे का भाड़ा कितना लोगे? आपसे किराया क्या लेना पहलवान जी, जो आपका दिल करे 1,00,000 रुपए दे दो। क्या बात करते हो भाई, इतना ज्यादा? 2,000 दे दो फिर। ये भी ज्यादा है, थोड़ा कम करो। जेब से दे दूं आपको मैं? मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भाई। इस घर में रहने से अच्छा आदमी धोखे में रह ले। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आप तो बड़े क्यूट हैं भाई साहब। भाई साहब, मैं आपको भाई साहब लगती हूँ? लग तो आप जॉन अब्राहम रही हैं। ऐसा डील डोल तो मैंने कभी देखा नहीं। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बीवी है। 2 लीटर वाले प्रेशर कुकर, गुस्सा ऐसे कर रहा है जैसे तेरी बहन हो। अच्छा तो बीवी वाला गुस्सा कैसे होता है? मुझे क्या पता भाई, मैं तो कुवारा हूँ। लेकिन आप कुवारे क्यों हो? मैंने तुमसे पूछा तुम छुआरे क्यों हो? तो आप पर हंस रहा है, इस पहलवान को कुछ बोलते क्यों नहीं? अभी पैसे नहीं है ना मेरे पास, वरना खड़े खड़े इसकी पहलवानी खरीद लेता मैं। भाजी आज हाँ। आज आवाज का खेल है एक्चुअली। हाँ। आज के हमारे जो मेहमान हैं हाँ। ये ऐसे सुपरस्टार सिंगर हैं, इन्होंने बॉलीवुड के सब सुपरस्टार्स के लिए प्लेबैक सिंगिंग की है। ये आज अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ आ रहे हैं। प्लीज वेलकम शान एंड राधिका। गीतों का गुलशन है वो, सुरों का आफताब है। शान लगता है कोई शायर और आप उस शायर का ख्वाब हैं। शादीशुदा होकर भी गाते हो रोमांटिक गाने, ये प्यार नहीं, इसका मतलब बीवी से डर बेहिसाब है। सबसे पहले तो शान सर के बॉलीवुड में एज ए सिंगर 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा 25 साल हो गए, ये तो थी न्यूज, पर हम कंफर्म कर लें सच्ची 25 हो गए, क्योंकि न्यूज में कुछ भी आ रहा है आजकल। अच्छा अगर प्रॉपर हिसाब देखे तो 40 साल हुए।
जब मैं 4 साल का था तभी पहला एल्बम आया था, अच्छा वाली नर्सरी राइम, फिर परिंदा फिल्म आई थी उसमें एक एक लाइन लेकिन क्रेडिट में नाम डाल दिए थे। अच्छा, तो 4 साल का बच्चा गा रहा है ये 89 में रिलीज हुआ था, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। हद हो गई यार, कहीं तुमने पैदा होते ही नर्स को तो नहीं बोल दिया था अमी तुम्हें की भालेबाशी? बंगाल की धरती से इतने अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं। अच्छा, आप 4 साल की उम्र में गाते थे तो आपको सीरियसली लिया गया कि बच्चा है गाता है? हम 10 साल की उम्र में भी गाते थे, हमें जूते पड़ते थे किताब खोल लो मर लो अपनी, हमें तो अभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमारे साथ शोषण हुआ है। शादी को कितने साल हो गए भाभी आपकी? अच्छा, ये साल 17 इयर्स कंप्लीट होंगे। 17 हो जाएंगे जी। मुझे लगता है एक ही हुआ है, जिस हिसाब से शान भाई के चेहरे पे स्माइल रहती है तो ये तकरीबन शादी के 1-1.5 साल तक तो रहती है, पर उसके बाद 17 साल तक आपकी रहती है, ये बड़ी अच्छी बात है। कईयों के वाकई रहती है और कईयों के दिखावे वाली रहती है। अंदर से बड़े तपे जले होते हैं वो। मुझसे पूछ, ये ओरिजिनल है। 17 साल हो गए, बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों बड़ा ही खूबसूरत कपल है और बड़ा मजा आता है जब भी इन दोनों से मुलाकात होती है। सबसे ज्यादा गाने सर आपने किस एक्टर के लिए ज्यादा गाए? अभिषेक, सलमान, सलमान खान। राधिका भाभी के लिए ज्यादा नहीं गाया आपने? खाली वो रूठने मनाने वाले गाने। एक्चुअली कोई सीरियस रोमांटिक गाना कभी गाया नहीं है। खाली एक लिखा था मेरे ऊपर, वो गुमसुम हो क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो बीवियां होती है वो साइलेंट ट्रीटमेंट बड़ा देती है ना। कोई शादीशुदा है इधर? बहुत लोग, शादीशुदा लोग आते हैं, कवारे क्यों देखने आएंगे हमारा शो? सरला के लिए एक रोमांटिक गाना। आपके होठों पर जब इतनी तारीफें हो रही हैं तो मुझे एक बहुत रोमांटिक सा गाना याद आ रहा है। होठों से झूलो तो मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर दो, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से झूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू सो मच शान, थैंक यू सो मच। चलो पाजी, आज थोड़ी सी शुरुआत तो हुई। वाकई जी, देखिए आप इसको रिमोट समझ लें। अच्छा, आपको खाली ऐसे करना है तो आपको मूड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मूड के गाने गाने हैं। मैं आपको मूड बताता हूँ, ये खाली ऐसे कर देना। आइए फिर जोरदार तालियां एक बार। और तो आप और भाभी गाड़ी में बैठ के लोनावला की पहाड़ियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है। ओके, तो सबसे पहले रोमांटिक। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब दीवाना लागे रे हो। सारा चेंज, और ये बदल गया, सैड। कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम भीगी है बारिशें, थम सा गया है ये वक्त ऐसे, तेरे लिए ही ठहरा है जैसे। ओके, तो मूड चेंज, डिस्को। टिंग 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 टिंग। दिल है मेरा दीवाना, क्या कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के जोवो खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, it's a time to disco, it's a time to disco, कौन मिले देखो किसको, it's a time to disco. Chandan, Deepak, क्या बात है,
आइए सर। अरे आइए आइए। अरे कैसे ऐसे तू पाजे? अरे सब बढ़िया। आइए आइए। अरे फुलझड़िया को भी तो दीजिए जरा जगह। आ बिलवेड माइन लीजिए। देखिए हमारे फेवरेट शान जी आए हुए हैं। आप सौकत होंगे। आदाब आदाब। क्या ये राधिका है इनकी वाइफ? अरे यार हमें क्या ऐसा लोग बोलते हैं ना, सानो सौकत सानो सौकत। हमें लगा कि हस्बैंड वाइफ होंगे, सानो सौकत साथ में घूमते होंगे। गलती हो गया राधिका जी। मैं एलोपोजी अपोलॉजी। हाँ नहीं आपको बेहतर पता होगा इसके बारे में। खैर शान जी आपको एक मजे की बात बताएं हम जी। आप कभी ऐसे तीन पत्ती खेलेंगे ना हाँ। तो फिर वो तीन पत्ती नहीं रहेगी, वो हो जाएगी शान पत्ती। शान पत्ती। ये देखिए ये हमारे जोक्स के पिटारे में से एक जोक निकला है। कमाल कमाल वाला निकला है। तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, लेकिन बंबई शहर जो है ना बहुत क्राउडेड भीड़भाड़ हो गया है। आप एक काम कीजिए, ये चाबी रखिए और हमारे गांव में आ जाइए। ये आपके गांव की चाबी है? नहीं 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 यार, हमारे गांव में क्या किसान की बहुत इज्जत है, तो आपकी भी बहुत इज्जत होगी कि हम आपको दे दिया। शान आपका नाम है किसान। ये तो क्या है, हमारा ऐसा चलता रहता है जोक्स का। ये लीजिए आप टीवी रखिए, अब देखिए आपके जीवन में कितनी शांति आ जाएगी। एक और जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स। कमाल कमाल, वो भी प्रॉप्स के साथ। कर शान जी एक और एक और एक और। कैन आई हैव अ सीटिंग हियर? सीटिंग आप ही का घर है। अच्छा थैंक यू जी थैंक यू। पर आपको चुभेगा वो? ऐसा कुछ नहीं है, अपना कुशन साथ लेके घूमते हैं। चुपता चुपाता नहीं है। शान जी आपका एक गाना था जी, बहती हवा सा था वो जी। अब सवाल उठता है कि हवा जो है दिखाई तो देती नहीं, अगर वो बहती हवा सा था तो वो भी दिखाई देता नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वो था भी कि नहीं था? ए लीजिए ये तो ताल भी बन गई है। मैं यूं कह रहा था वही चाबी नहीं था वरना आपको कहीं बंद करके रखते। कोई बात नहीं, कमाल था। चाबी तो इनको बंद किया था। अच्छा थोड़ी देर के लिए हुए थे। एक और बात बताइए, आपका एक और गाना था जी, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। ये गाना हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है क्योंकि हमारे नैना किसी लड़की के नैनों से ऐसे लागे होता ही नहीं, क्योंकि हमारा स्टोमच पहले लग जाता है। उधर तक बात पहुंचती नहीं है। अगर हमारे लिए गाना गाए तो आपको गाना पड़ेगा, जब से तेरा स्टोमच मेरे स्टोमच से लागे रे। आपको पता है इसकी एक बार किसी के साथ लड़ाई हो गई। अच्छा? मुक्के मुक्के मार के चला गया, इसको आइडिया नहीं हुआ, ये अपना केला खा रहा था। कपू शर्मा आपको एक बात बतानी थी, हम भूल गए। क्या बात? अब भूल गए तो कैसे बताइए? याद ही नहीं, भूल गए यार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।